वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के मामले में यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल का बयान सामने आ चुका है। मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है और यूपी में योगी सरकार है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपने बयान के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्हें ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। बहुत खराब बात है और श्री बालाजी तो सबके तहान हारे और जो गुंडे करते हैं दमन करते हैं उन पे उनकी गदा भी चलती है। ऐसे सब लोगों का निश्चित रूप से इलाज होगा। जो लोग बालाजी की यात्रा पर पथराव करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश से हैं, अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत नियंत्रण में है, सुव्यवस्थित है। उनको लगता है कि केजरीवाल जी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, केजरीवाल जी को ध्यान देना चाहिए जिस प्रकार से वो असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का काम करते हैं। उन्हीं के कारण से ये सब चीजें कहीं ना कहीं लोग से उठाने का काम करते हैं।